चंदा बस ए ही दीजो अगले जन्म अगले ठाकुर साहब, जब बगल वाली हवेली में कोनो चीज का जरूरत पड़े तो हमको बुला लें। जी ठाकुर साहब, चल मधु आ जा। मांगने जा रहे हैं। रुक मुन्नी, ऐसे कैसे जा रही है तू? अरे तू तो जानती है ना कि ये लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, हवेली वाले ठाकुर लोग हैं। अगर बुरा मान गए तो? हम कौन सा अपना हक मांगने जा रहे हैं उनसे, सिर्फ नाच का इनाम ही तो लेने जा रहे हैं। तुम और हिया क्या कर रही? किसी से कोनो काम है का? कभी कभी आदमी का नसीब अपने आप हाथ पकड़ कर उसको वहां
जाता है जहाँ उसे होना चाहिए, पर ये देखकर घड़ी भर में उसका सपना चूर चूर हो जाता है कि उसके हिस्से का हक, उसके हिस्से का अधिकार किसी कोने में घूम गया कि कुछ जो बचा ही नहीं उसके खातिर। काबूरी हमको जो समझे नहीं, हम कहा कि लोहा सिंह का बात कभी नहीं टालेगा पत्थर। आपकी तारीफ भाई टकराया ना, कौन है अभी हवेली में कैसे घुस के चली आ गई? हम आपसे पूछ रहा हूँ, आंख कान में ठीपा लगाया है क्या आपने? कौन नया फंडा, नया खेला तो नहीं आप लोगों का? है चिरैया कौन है? बिखवा लाली को ऊपर ले चलो। जी जी, ये सब आप चिंता मत किया करिए, हम देखते हैं। अरे इनसे इतना नहीं बतियाया जाता है बाबूजी, काहे लिए परेशान हो? का हो गया ना नाच गाना, जाति काहे लिए नहीं? निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तमाशा। मिलो हो गया तुम्हारा। क्या परेशानी का है? कम है का? लालची लोग ससुरे ये सारा रखो, अभी अवैन हमारे पास इतना है। हमको लगा ही था जब तक काम खत्म करके आएंगे तब तक ही सो चुका होगा। कुछ मदद करें तुम्हारी? ठीक है, हम ही को जाके माजी के कमरे में सुला देते। सरिता सर, ओ नाचने वाली कहाँ है? चले गए का? हम जमुनी को कहे थे कि उनको खाना खिला के ही भेजे, अब तक तो चले गए होंगे। क्या हुआ दीदिया, क्या हुआ? कभी कभी आदमी का नसीब अपने आप हाथ पकड़कर उसको वहां ले जाता है जहां उसको होना चाहिए। कुछ नहीं, खाना खाए कि नहीं पूछना चाह रहे थे। सबकी फिक्र रहती है तुम्हें,
कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। ये सब छोड़ो, थोड़ा आराम कर। एक बार सो जाए, मैं जितना भी हिलाऊं उठता ही नहीं है। आखिर कौन है वो लड़की? काहे उसको देखकर ऐसे अजीब लग रहा है? लड़की को जाते हुए देखेगा? ना बेटिया, हम ना ही देखे। हो सकता है पिछल का दरवाजा से निकल गई। जाइए। आखिर वो लड़की ठीक हो और ऐसे हाँ।
हवेली में रात में काहे आई थी? रणवीर से ठाकुर और बड़की दुल्हन का फोटो ओकर हाथ में, आखिर बात का है कुछ कुछ समझे में नहीं आ रहा। बाकी पता तो लगाना पड़ेगा कि ये सब के पीछे बात का है। ये सब का उल्टे सीधा चीज सिखा रहे हैं आप माधो को? ये प्रसाद है माधो, भगवान को चढ़ाए बगैर ये खाया नहीं जा सकता। ये बड़ा बड़ा आग दिखा के हमारे पुत्र को डराने की कोशिश मत कीजिए। अरे यही तो हमारा नंदलाल है, लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है। केहू पर दुनिया में विश्वास नहीं है हमको, बस यही हमारी बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा जो हमें संभालेगा। ये खुश रहेगा तो हम खुश, और हम खुश रहेंगे तो जग खुश रहेगा। समझा? कान का ठीपा खोल के सुन ले बड़ी ठकराइन। अरे हमारा पुतवा लड्डू खाएगा, ये देता हूँ लड्डू, आज ये ला। एक नहीं दो लड्डू खाएगा हमारा पुतवा। अकड़ बकड़ बम्बा बो, बबुआ आओ बैठो पूजा में, आओ लाली को भी बुला लो। अरे टहलने गई, डॉक्टर बोली थी ना टहलने के लिए, तो टहलने निकल गई है। अरे टहलने के लिए गई तो ठीक है, बाकी तुम यहाँ कहाँ कर रहे हो? हाँ अकेले कैसे जाने दिया उसे? माई आप तो ऐसे बोल रही जैसे अपनी बहू की चिंता केवल आपको है। क्या करें, कभी कभी सुनती नहीं है ना हमारी। अभी नहाने गए, वो बीच में निकल गई चुपचाप टहलने के लिए। अब गई होगी मंदिर, तो आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इस बार गई गई, अगले दिन से नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ ना बाबा, हमको बख्शिए, ये मामला सास बहू आपस में सुलझाए तो ठीक है। जय राम जी। बेटी वर्जी हो जाएगा, टाइम पे पहुंच जाएगा मामला, सब अच्छा होगा। हाँ भेज रहे हैं, बहुत अच्छी डांसर है। वरना जी बेटी, भैया क्या बात? वो कहे कि कल हम लोग के यहाँ गुद भराई का रसम था, नाच गाना के लिए यहीं से वो लड़की आई थी, उसी के बारे में तो नहीं जानना चाह रहे थे। उसका नाम वगैरह कुछ मालूम है आपको? नाम तो नहीं पता, बाकी चेहरा मोरा याद है, देखेंगे तो पहचान जाएंगे, बड़ी सुंदर सी थी। बीच में फोटो लगा हुआ है ना घाघरा पहन के, ये वाली लड़की के बारे में। उसके बारे में क्या पूछना चाहती है? यही कि का नाम है, कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कब से? देखिए कोनो ऐसा वैसा बात नहीं है, बढ़िया लड़की है, इसलिए जाना चाह रहे थे कि उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंट उसे किसी अनाथालय से यहाँ लेकर आया था।
अनाथालय से।